नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हाउस वायरिंग के ऊपर वीडियो है। ठीक, कुछ नए से नए लोग भी हैं वो भी इस वीडियो को देख के बिल्कुल अच्छी तरह से अपने हाथों से वायरिंग कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी शॉप है, दुकान है, मल्टीप्लेक्स है, बिल्डिंगें हैं, रेस्टोरेंट है, किसी भी तरह का आपके साथ में कुछ हाउसिंग कम्प्लेक्स है या रेस्टोरेंट है, तो आप अच्छी तरह से वायरिंग खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जीरो से सिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल नए लोग, नए इलेक्ट्रिशियन होंगे, नए वायरमैन होंगे, जो नए नए सीखना चाहते होंगे, या जो पुराने लोग भी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने ट्रिक बताऊंगा वो शायद से आपने कभी देखा होगा और ना सुना होगा। ठीक है, इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, मतलब कि जो बेसिक फंडा होता है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज तक किसी भी आदमी ने आपको नहीं बताया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो देखने के बाद में अपने हाथों से, मेरा गारंटी है कि अपने हाथों से खुद से बिल्कुल नए लोग भी हैं वो भी इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से वायरिंग कर सकते हैं। किसी भी आदमी से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर ये वीडियो आपने देख लिया, फिर आप लोग अपने हाथों से खुद से वायरिंग करके अच्छी तरह से टेस्टिंग करके अपने घर का वायरिंग कर सकते हैं। चलो फिर वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेते। ठीक है, सिंगल फेस का सप्लाई, हमारा जो पोल रहता है वो पोल के अंदर से यहाँ से एक फेस सप्लाई निकल गया। ठीक है, एक फेस सप्लाई निकल गया और यहाँ से एक न्यूट्रल निकल गया। ठीक है, जो हमारा पोल रहता है वो पोल के अंदर से, जो गांव में किधर भी आपको ट्रांसफार्मर नहीं तो पोल रहेगा, तो पोल के अंदर से आप लोग सिंगल फेस सप्लाई आपके घर तक आता होगा। ठीक है, ये सप्लाई जो है आपको सीधा कहाँ पे जाकर लगता होगा आप लोग देखेंगे, जो नए लोग भी हैं वो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सप्लाई सीधा आपको मीटर पर जाकर लगता है, जैसे मीटर आपके घर में मीटर लगा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये मीटर आपको, ये इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर में जाकर सीधा सप्लाई आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाता है। इस मीटर में लगाने के ऐसे सप्लाई आपको मीटर में लग गया। ठीक है, मीटर से निकलने के बाद में ये जो सप्लाई है आपको, उसके बाद में आउट में हम लोग एक फ्यूज, हम लोग यूज करते हैं। फ्यूज क्यों यूज करते हैं, किसी भी कारणवश आपको घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमने यहाँ पे एक फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज हो गया। ठीक है, अभी हम इसी सप्लाई के बाद में हमारा जो भी वायरिंग रहेगा घर का, इस सप्लाई से हम लोग वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग कैसा करते हैं, मान लीजिए आपको इस एसी सप्लाई को हमको यूज करना है। फर्स्ट आप लोग क्या होता है, पोल से या ट्रांसफार्मर से एक सिंगल फेज सप्लाई आता है, फेस और न्यूट्रल। ठीक है, ये सप्लाई आपको मीटर में जाता है, जो घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रहता है, जिसके हिसाब से आप लोग इसका जितना आप लोग बिल इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका बिल आप लोग पे करते हैं। तो ये सब फर्स्ट का सप्लाई किधर जाता है, मीटर में जाता है। ठीक है, तो मीटर में जाने के बाद में हमको, मीटर से आउट करने के बाद में हम लोग फ्यूज यूज करते हैं या MCB यूज करते हैं, कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद में अगर डायरेक्ट एक बल्ब लगाना चाहते हैं, जैसे बल्ब को चालू करना चाहते हैं, तो कैसे आप लोग चालू करेंगे, जैसे हमारे एक बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब हो गया। ठीक है, मैं एक बल्ब को यहाँ पर सिंबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, बल्ब है, बल्ब को चालू करना है तो क्या करेंगे आप लोग, बल्ब को कुछ नहीं, किसी भी बल्ब को, फैन को, मोटर को चलाने के लिए, अगर सिंगल फेस आपके साथ इक्विपमेंट है तो उसको चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर इस बल्ब को चलाना चाहते हो तो ये न्यूट्रल का जो पावर है आपको डायरेक्ट बल्ब में दे देंगे, और ये जो फेस है आप लोग डायरेक्ट आपको बल्ब में दे देंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि बल्ब आपका डायरेक्ट जल जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जीरो से आप सीख सकते हैं, मतलब आपका बल्ब यहाँ पर चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी बल्ब के बीच में अगर आप स्विच लगाना चाहते हैं, तो स्विच, अगर स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं इस बल्ब को, जैसे हमारा बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब को अगर आप स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप लोग कैसा करेंगे, स्विच ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए ये वायर है आपका न्यूट्रल का वायर है या फेस का वायर है, ये दोनों का बीच वायर को बीच में से कट कर देंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक स्विच है, स्विच के अंदर आप लोग देखेंगे दो आपको पॉइंट मिल जाएगा स्विच के अंदर। ठीक है, तो आप लोग क्या वायर यहाँ से कट कर देंगे, कट करके ये जो वायर है आपको यहाँ पर दे देंगे, और ये वायर है आपको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और ये स्विच हो गया। ठीक है, तो स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो ये स्विच आप लोग फेस के साइड में भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा के, और स्विच के आउट से हम लोग बल्ब दे सकते हैं। स्विच लगाने का बिल्कुल फंडा आपको ईजी है, कौन सा भी वायर को बीच में से कट कर देना, कट करके बाद में एक वायर एक टर्मिनल में देने का स्विच का, या दूसरा वायर दूसरे टर्मिनल में, जो इधर का वायर आ रहा है ये टर्मिनल में आएगा, जो इधर से वायर आ रहा है एक टर्मिनल में। स्विच के अंदर आप लोग देखेंगे दो टर्मिनल आपके साथ में होगा। ठीक है,
ये आपको स्विच हो गया, ठीक है, ये हमारा स्विच हो गया, स्विच का कनेक्शन हो गया, स्विच अगर लगाना चाहता है, ठीक है, ये बल्ब का कनेक्शन होगा। इसी जगह पे आप लोग बल्ब के साथ में कुछ फैन भी लगाना चाहते हैं, जैसे मान लो हमको फैन लगाना है यहाँ पर, ठीक है, फैन लगाना है, ठीक है, इसी जगह पर हमको फैन लगाना है, तो फैन का भी हमको फ्रेश सप्लाई चाहिए, तो यही सप्लाई हम लोग यहाँ पे ला के फैन में दे दिए। और न्यूट्रल भी फैन को चाहिए, किसी भी सामान को ऑन करने के लिए हमको फ्रेश और न्यूट्रल की जरूरत पड़ता है, तो ये फ्रेश हमारे यहाँ पर लग गया और न्यूट्रल हमारे यहाँ पर लग गया, तो क्या क्या होगा कि ये सप्लाई मीटर से निकलने के बाद में फ्यूज से आउट करके आपको डायरेक्ट एक बल्ब में आएगा और एक फैन में आएगा। मान लीजिए आपको बल्ब नहीं लगाना, फैन चालू करना है, तो ये सप्लाई डायरेक्ट आप लोग दे सकते हैं फैन में, और न्यूट्रल आप यहाँ से डायरेक्ट फैन में दे सकते हैं। अगर फैन को आप लोग स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वायर है फैन में जो भी एक वायर रहेगा, एक वायर को सीधा आप लोग कट कर देने का, जैसे यहाँ पर इसे कट कर दिया हम लोग, ठीक है, कट करके हम लोग स्विच यहाँ पर देंगे, स्विच के अंदर दो टर्मिनल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो एक वायर जो यहाँ से आ रहा है आपको ये पॉइंट में दे देंगे, और दूसरा जो पॉइंट यहाँ से हमने कट किया वो वायर हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमने स्विच फिट कर दिया, ठीक है, ये हमारा स्विच हो गया, तो स्विच को हम लोग ऑन करके फैन चालू हो जाएगा। चाहे तो ये स्विच को आप इसी वायर में भी लगा सकते हैं, वायर का कुछ मैटर नहीं करता है, आप कौन सा भी वायर में स्विच लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल फंडा, स्विच के अंदर आप लोग देखेंगे दो पॉइंट रहता है, तो हम लोग चाहें तो ये स्विच को यहाँ पर लगा सकते हैं, ये स्विच यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये वायर डायरेक्ट हम लोग जला देंगे, हम लोग स्विच को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, स्विच को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ये वायर यहाँ से कट कर देंगे, ये वायर हम लोग फर्स्ट स्विच में जाएगा एक टर्मिनल में, दूसरा टर्मिनल से निकाल के हम लोग ये फैन में चला जाएगा, ठीक है, तो हम स्विच कौन सा भी वायर में लगा सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। ये जो हमारा है नॉर्मल जो बेसिक वायर है घर में लगे, जो बेसिक वायर होता है इसके बारे में हो गया, ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद में आप इस मीटर के बाद में एक फेस और न्यूट्रल किसी भी चीज़ को लगाना चाहते हैं, जैसे हमने लाइट का एग्जाम्पल आपको बताया और फैन का बताया, आपको मान लीजिए मोटर भी लगाना है, तो मोटर को भी सेम सप्लाई आप लेके आकर मोटर में भी यूज कर सकते हैं, आपको मोटर भी चालू हो जाएगा, स्विच लगाना चाहते हैं तो स्विच आप लोग ऐसा लगा सकते हैं, आपका स्विच चालू है, ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का फंडा है कि आप लोग के साथ में फेस न्यूट्रल आएगा पोल से, पोल से आने के बाद में मीटर में जाता है, मीटर से आउट करने के बाद में आप लोग फ्यूज या MCB लगाते हैं, और MCB के बाद से हम लोग सप्लाई को पावर को यूज करते हैं, एक फेस सप्लाई एक लैंप में चला गया, लाइट में ये हमारा बल्ब है, बल्ब में चला गया, न्यूट्रल हम लोग यहाँ से देंगे, बल्ब सीधा चालू हो जाएगा, बल्ब को हम लोग स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो वायर को सीधे यहाँ से बीच में से कट कर देंगे, स्विच के अंदर दो टर्मिनल रहेगा, तो एक टर्मिनल में एक वायर इधर वाला वायर दे देंगे और दूसरे टर्मिनल में यहाँ से इधर वाला वायर कनेक्ट कर देंगे, स्विच को ऑन करके आपका बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक है, ये क्यों होता है, अभी इधर से न्यूट्रल आपको डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, स्विच अगर नहीं है दोनों में स्विच नहीं है तो ये सप्लाई न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल रहा है और फिर से आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो लाइट डायरेक्ट चलता रहेगा, लेकिन हम लोग अगर स्विच यूज करेंगे तो क्या होगा कि स्विच अगर ऑफ मोड में रहेगा, ऑफ मोड में रहेगा तो ये सप्लाई आकर यहाँ टर्मिनल तक रुका रहेगा, ये टर्मिनल से आउट नहीं होगा, तो जब भी हम लोग स्विच को प्रेस करेंगे, तो ये सप्लाई दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होगा तो ये सप्लाई यहाँ से घूम के सीधा लैंप में चला बल्ब में चला जाएगा, फिर बल्ब आपका चालू हो जाएगा, स्विच का इतना ही काम होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे आप लोग इसी तरह से सिंगल फेस यूज करके एक एक छोटा छोटा के इक्विपमेंट को आप लोग इजिली घर में चला सकते हैं, किसी भी चीज़ का अगर किसी भी आदमी को जरूरत नहीं है, लाइट है, फैन है, मोटर है, गीजर है, आयरन है, जो कुछ भी। अभी मैं आपको एक घर का वायरिंग करना है, एक बेडरूम का वायरिंग करना है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसके बाद में हम लोग एक फ्लैट का वायरिंग करते हैं, उसके लिए वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक बेडरूम के वायरिंग के लिए क्या क्या सामान का यूज होगा, क्या क्या सामान चाहिए हमको, या हमको एक फ्लैट का वायरिंग करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, और पूरी बिल्डिंग का वायरिंग करने के क्या क्या सामान का जरूरत पड़ेगा, क्या कौन सा मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, पूरे डिटेल में बताऊँगा, वीडियो में बने रहे प्लीज़। अभी हम लोग इस मीटर के थ्रू, ये हमारा मीटर है इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, जो कि पोल से सप्लाई फेस और न्यूट्रल यहाँ पे आके मीटर में लग रहा है, ठीक है। मीटर के आउट से हम लोग जो भी वायरिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग अभी मैं आप लोग को सिंगल बल्ब और लाइट, फैन, मोटर चलाने के लिए मैं बता दिया। अभी हमको एक बेडरूम का अगर वायरिंग करना है, आपको बेडरूम के अंदर मान लीजिए आपके साथ में चार लाइट है, चार पाँच, इधर एक लाइट है एक कॉर्नर में, इधर एक लाइट है और एक इधर लाइट है और किधर लाइट है, सपोज मान लो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, और बीच में हमारा एक फैन है, ठीक है, ये हमारा फैन हो गया, ठीक है, ये हमारा लाइट हो गया, तो लाइट हो गया, ये भी हमारा लाइट हो गया और ये भी हमारा लाइट हो गया, ठीक है। इस बेडरूम को अगर हमको वायरिंग करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इस मीटर से हम लोग सीधा एक फेस और न्यूट्रल यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम फेस और न्यूट्रल यहाँ पर लेंगे,
ये 100 न्यूटल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस बेडरूम के अंदर हम लोग लोड देखेंगे कितना लोड है, लोड है लोड के हिसाब से हम लोग एक यहाँ पे छोटा बॉक्स फिट करेंगे, ठीक है, स्विच बोर्ड फिट करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक फ्यूज भी डाल लेंगे क्योंकि मीटर का आउट में हम लोग फ्यूज डालेंगे तो इस बेडरूम के अंदर जितने भी कुछ फॉल्ट रहेंगे, कुछ शॉर्ट सर्किट रहेंगे तो ये फ्यूज आपको सेफ करेगा, सेफ्टी करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्यूज यहाँ पर रख दिया, ठीक है। फ्यूज का फर्स्ट हमारा मीटर से सप्लाई फ्यूज में आएगा, फ्यूज स्टार्ट करने के बाद ये स्विच बोर्ड है, ये हमारे बेडरूम का अंदर का स्विच बोर्ड है, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, स्विच बोर्ड है ये आप सप्लाई आपको डायरेक्ट स्विच बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल भी आपको स्विच बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसा होता है मैं उसके बारे में बताऊँ। स्विच में मान लीजिए आपके साथ में एक स्विच हो गया, दो स्विच हो गया, तीन स्विच हो गया, चार स्विच हो गया, पाँच स्विच हो गया, ठीक है। एक स्विच में दो पॉइंट होते हैं, आप लोग को देखेंगे एक स्विच में दो पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, ये टोटल 1 2 3 4 5 पाँच स्विच हो गया। हमारे साथ में चार लाइट है और एक फैन है, ये भी टोटल पाँच है। हमको ये पाँच स्विच के थ्रू ये पाँचों चारों लाइट को और फैन को कंट्रोल करना है, मतलब ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फेस वायर है ये फर्स्ट फेस वायर हम लोग स्विच बोर्ड में ला कर डायरेक्ट हम लोग इसे नीचे के टर्मिनल में एक स्विच में दे देंगे, ठीक है। और नीचे के जितने भी टर्मिनल हैं उसको आपस में हम लोग इसे शॉर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब फेस वायर आपको पूरे स्विच के नीचे में आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से आउट करेंगे, तो फर्स्ट हमको यहाँ से आउट किया तो ए लाइट का हम लोग एक फेस वायर दे दिए, ठीक है, एक स्विच से, ठीक है। ये हम लोग दूसरा स्विच से आउट करके तो ये हम लोग दूसरा लाइट को दे देंगे, ए लाइट को हम लोग यहाँ पर दे दिया, ठीक है, फेस सप्लाई चला गया। ये तीसरा हम लोग निकालेंगे तो ए फैन के हम लोग दे दिए, ठीक है, फैन को फेस वायर दे दिया, सीधा सिंपल सिंपल वायरिंग है, दूसरा कुछ नहीं करने का आप लोग। अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो चौथा स्विच से निकालेंगे तो आप लोग सीधे यहाँ पर एक लाइट में दे दिए, चौथा लाइट में, और ये पांचवा स्विच से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग इस लाइट को दे देंगे, ठीक है। इस लाइट में हमने दे दिया, देख सकते हैं एक एक स्विच से आउट करके फेस वायर आप लोग को मीटर से आया। मीटर से आने के बाद में स्विच बोर्ड में जो एक स्विच रहेगा, स्विच को पूरे नीचे का जो पॉइंट रहेगा वो आपस में हम लोग आपस में शॉर्ट कर देंगे, एक वायर से आपस में पूरा हम लोग शॉर्ट कर दिया, पाँचों स्विच के नीचे का टर्मिनल, और एक एक स्विच के आउट से हम लोग निकाल के ए स्विच के इसमें, दूसरा स्विच के इसमें, तीसरा स्विच से फैन में दिया, और चौथा स्विच से हम लोग इस लाइट को, पांचवा स्विच से इस लाइट को दिया। मतलब चार लाइट फैन का स्विच के थ्रू कंट्रोल हो गया, लेकिन इसको लाइट को और फैन को चलाने के लिए हमको न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगा। तो न्यूट्रल जो ये हमारा वायर है, देख सकते हैं ये जो हमारा न्यूट्रल जो मीटर से निकला हुआ है, ये न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लेंगे, ये न्यूट्रल हम लोग इस मीटर का आउट से लेंगे, न्यूट्रल हम लोग यहाँ से ले लिया। न्यूट्रल का काम क्या होगा कि हम लोग इस न्यूट्रल को पूरा लाइट में लूप कर देंगे, मतलब कि अभी हमने न्यूट्रल हमने यहाँ से ले लिया, हम बाहर बार में लूप करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, और इसी न्यूट्रल को हमने निकाल के इस लाइट में दे दिया, ठीक है, और इसी न्यूट्रल को हमने निकाल के दोनों इधर का हम लोग लाइट में दे देंगे, ठीक है, और इसी न्यूट्रल को निकाल के हम लोग इस फैन को भी दे देंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया, फैन को भी दे देंगे, और ये जो न्यूट्रल है फैन के न्यूट्रल से निकाल के हम लोग ये इस लाइट को भी दे देंगे, ठीक है। मतलब न्यूट्रल का न्यूट्रल हम लोग पूरा लाइट में, फैन में, सभी जगह हम लोग लूप कर देगा, ठीक है। ये हमारा पूरा न्यूट्रल है, जो जितने ब्लैक कलर का आप मार्किंग देख रहे हैं न्यूट्रल है। उसके बाद में हम लोग स्विच के अंदर, ये स्विच बोर्ड जो है हमारा स्विच बोर्ड के अंदर, अगर आपको ये हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर आपको सॉकेट लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉकेट में पॉइंट में आपको तीन ऐसा पिन देखने को मिलता होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे किसी भी सॉकेट के अंदर आपको तीन पॉइंट मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन सॉकेट मिल गए, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर सॉकेट है, मैं आपको इस इधर स्पेस नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे देखा समझा रहा हूँ। तो किसी भी सॉकेट के अंदर आपको यहाँ पे एक सॉकेट है, जैसे मान लीजिए हम सॉकेट का उसके साथ में वायरिंग करेंगे, तो इसका हम लोग ए पॉइंट है, इसके अंदर हम लोग न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इसके अंदर जो हम लोग फेस है, ए फेस हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लेके आएंगे, और ये फेस हम लोग ये दूसरा पॉइंट पे दे देंगे, ठीक है। और ये अर्थिंग का पॉइंट है, ठीक है, ये फेस हमने दे दिया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस सॉकेट को हम लोग अगर स्विच के थ्रू चलाना चाहते हैं तो सिंपल पंडा है, कुछ नहीं, ये जो एक वायर आ रहा है आपको, आपको इसके बीच में एक स्विच फिट कर देगा, दोनों वायर के बीच में से कट करके स्विच के एक पॉइंट में ये वायर डाल देंगे, और उधर स्विच का दूसरा पॉइंट से आउट करके हम लोग सीधा इसमें दे देंगे, ठीक है। ये हमारा बेडरूम का वायरिंग हो गया, ऑलमोस्ट किसी भी बेडरूम में कितना भी पॉइंट रहेगा। अब अगर आपके साथ में कुछ यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे सॉकेट भी रहेगा, तो आप लोग सॉकेट को भी सेम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग एक स्विच ये बोर्ड से फेस, इधर से हम लोग एक फेस लेके आके
ये बोर्ड में दे देंगे और न्यूट्रल हम यहाँ से लूप कर देंगे। इस एसी का पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है तो हम लोग फेस न्यूट्रल यहाँ से आउट करके इसको बेडरूम के अंदर दे देंगे। अभी मैं बेडरूम को बता दिया, ऐसे हम लोग सिंगल फेस को वायरिंग करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो।